बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक मैं ठाक। पहाड़ के ऊपर हूँ हैं और यहाँ पर ये सारे ओली वैरश हैं, ये नज़र आ रहे हो, ये देखो। और इनकी जड़ें इतनी मज़बूत नहीं हैं, ये बस इतने से हिस्से में लगी हुई हैं। और ये पूरा, ये देखो, ये पहाड़ के ऊपर है, सारे ओली वैरश हैं। कुदरत है कि पहाड़ के ऊपर एलोवेरा की रूट्स निकली हुई हैं। तो ये आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बनाए थे वो चिकन वेजिटेबल वॉर्ब्स, बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे, बहुत इजी थे। और मैंने बनाए थे पराठे में। अगर आपको बनाना है तो आप रोटी में बना सकते हैं, आपको बनाना है तो आप तंदूर में बना सकते हैं, तंदूरी रोटी में बना सकते हैं। मैंने पराठे पे बनाए थे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत झटपट बच जाती है। इसमें कोई वो स्टेप नहीं है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको वेजीज ऐड करने हैं आप वो ऐड करें। आपको चिकन जैसे बनाने हैं आप चिकन वैसे बनाएं। मैंने मैरिनेटेड चिकन यूज़ करी थी। अगर आपको ब्लैक पेपर और सॉल्ट वाली चाहिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सॉसेज भी आपको जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी भी सैलेट में मैंने क्यूकम्बर, कैबेज, कैप्सिकम और प्याज थे मेरे के सैलेट में। अगर आपको जैसे सैलेट चाहिए, आपको जो मैंने जूलियन में काटा था, आपको जैसे काटना है वैसे काट कर। और ये सॉसेज, ये सॉस जो हैं, ये मेरे पास रेडी टू सर्व थे। तो ये मैंने चिल्ली सॉस लिया था और दूसरा वाला मेरे पास उसका था, मायो का था, तो वो डाल दिया था मेरे पास। मेरा ऑलरेडी रेडी था, मैंने घर में परसों ही बनाया था तो वही मैंने डाल दिया था। और बस असेंबलिंग करी और वार्प कर दिए और फिर इसको फ्राई कर दिया। फ्राई मतलब शैलो फ्राई किया। और ये इसको से हमने इसको पहले तवे पर शैलो फ्राई कर दिया और ये हमारे हो गए वॉर्ब्स रेडी। बहुत इजी रेसिपी थी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए तो जज़ाकअल्लाह। देखने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।